हे गाइस, वेलकम अगेन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स के बारे में। जी हाँ गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं लूना क्लासिक के बारे में। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि लूना क्लासिक जो है वो कुकवाइन पे नंबर वन पे रहा है टॉप सर्चेज में। चाहे आप 12 जुलाई, 19 जुलाई, 26 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक के बारे में अगर आप बात करें तो कुकवाइन पे यहाँ पर रूल किया है टेरा लूना क्लासिक ने। जी हाँ गाइस, ये वही टेरा लूना क्लासिक है जिसके वजह से लोगों का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। बट यहाँ पर कम प्राइस में होने की वजह से और इसमें एक्चुअल में इसमें जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा है, साथ ही साथ इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है 24 आवर्स के अंदर में। तो इसके वजह से यहाँ पर टेरा लूना क्लासिक के प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ये पिछले 1 महीने का चार्ट को अगर आप फॉलो करें या तो 3 महीने के चार्ट को फॉलो करें तो आपको रियलाइज हो जाएगा गाइस कि यहाँ पर जिस तरीके से एक कर्व यहाँ पे बना था उससे ऊपर जाने के बाद फिर से आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन करके रखा हुआ है पिछले 3 महीने से। तो अभी आप इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ से तो नीचे नहीं जाएगा, ऑलमोस्ट ये अपना बेस लाइन को ये क्रिएट कर चुका है। एंड अगर पिछले 1 महीने के बारे में बात करें तो बिल्कुल 1 महीने में अभी ये यहाँ पर डाउन के सिचुएशन में चल रहा है। बट होप सो गाइस कि जिन्होंने भी अगर यहाँ 7 दिन से पहले या तो फिर 1 महीने के बीच में इन्वेस्ट किया होगा वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता। बट जितने भी डिफरेंस देखने को मिलते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे करके जाता है टेरा लूना क्लासिक। सो गाइस, ये था टेरा लूना क्लासिक के बारे में कुछ बातें। और वहीं पे अभी हम लोग बात करेंगे वोल्ट इनू के बारे में। जी हाँ गाइस, वोल्ट इनू यहाँ पर वोटिंग कर चुका है गेट आयो पे लिस्टिंग को लेकर के और डिपॉजिट कर चुका है मनी यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वोल्ट इनू का यहाँ पर रिस्पॉन्स आया है। तो मैक्सिमम चांसेस है गाइस कि वोल्ट इनू जो है वो यहाँ पर गेट आयो में लिस्टेड हो जाएगा। और उसके बाद डिपॉजिट वोट फॉर लिस्टिंग सेकेंड नंबर के लिए भी यहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर डिपॉजिट वोट फॉर लिस्टिंग सेकेंड इंडेड यू डिपॉजिट विल लिस्ट। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक डोज किंग और एक वोल्ट इनू दोनों में से दोनों को यहाँ पर लिस्ट किया जा सकता है। सो अभी देखने वाली बात होगी कि ये कब तक इसका रिजल्ट फाइनलाइज होता है। और तब तक के लिए यहाँ पर गेट आयो की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है कि वो बने रहने के लिए कह रहे हैं कब तक के लिए यहाँ पर होता है। बट चांसेस ज़्यादातर है गाइस कि ये डोज किंग या तो फिर वोल्ट इनू या फिर बोन। चांसेस ये भी है कि रिवोल्ट भी हो सकता है, रिवोल्ट भी काफ़ी अच्छा पॉपुलर है। तो देखने वाली बात होगी कि कब तक ये सब कुछ होता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जी हाँ गाइस, वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।